शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि दौराने बयान जाने अनजाने से अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला अपने खास फजलो करम से मुआफ फरमाए, आमीन। मोअज्ज़ज़ अहबाबे ग्रामी, मौत के बाद हर शख्स को अपने अमाल के मुवाफिक अल्लाह की जजाओ सजा का मजा चखना है, चाहे वो कब्र में मिले या रोजे आखरत में। इरशाद बारी ताला है, सोन में से बाज तो शकी यानी बदबख्त हैं और बाज सईद यानी नेक बख्त हैं। वो लोग जो बदबख्त हैं वो दोजख में जाएंगे और उनके लिए गधे की अव्वल आवाज और आखिर आवाज की तरह यानी कभी लंबे सांस के साथ कभी थक कर चिल्लाना और धाड़ना है। प्यारे दोस्तों, हम में से हर शख्स को कब्र में अपने अच्छे और बुरे अमाल की जवाबदेही के लिए तैयार होना है। हर गुनहगार शख्स को कब्र में अजाब होता है और हर नेकुकार शख्स पर कब्र में इनामाते इलाही नाजिल होते हैं, अगरचे इंसानी आंख उन्हें देख नहीं सकती, मगर बाज दफा अल्लाह तबारक व ताला जजाओ सजा का हाल अहले दुनिया पर मुनकशफ करने के लिए खुद उन्हीं के हाथों उन पर किसी कब्र की हालत खोल देता है। मसलन किसी कफन चोर ने कोई कब्र कफन चुराने की गरज से खोली तो कब्र में राहतो अजाब का हाल देखकर या तो खौफो दहशत से मर गया या फिर राहतो खुदावंदी का नमूना देखकर तौबा कर ली, या फिर किसी कब्र की मुंतकली में अल्लाह ने कब्र वाले का हाल दिखला दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा ही है जैसे जिंदगी में उसकी हड्डी तोड़ दी जाए। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन हजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठा देखकर फरमाया कि कब्र वाले को तकलीफ ना दो। हजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक ये वाजिया मालूम होता है कि मरने वाला जिंदा है लेकिन हम उसे मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होता है। गो उसकी जिंदगी हमारी इस जिंदगी से मुख्तलिफ होती है, बज़ाहिर तो इंसान मर जाता है लेकिन असल में वो एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जेरे नजरों समात वीडियो बड़ी ही इबरत अंगेज और सबक आमोज है। कहानी एक ऐसे शादी शुदा मर्द की है जो अपनी बीवी से मुबाशरत करने के बाद एक काम ऐसा करता था जो मरने के बाद उसके लिए कब्र के अजाब का सबब बन गया। प्यारे दोस्तों, वो अमल या वो काम कौन सा है हमें उसके बारे में जरूर जानना चाहिए ताकि हम उससे बच जाएं और अपनी कब्र की जिंदगी की फिक्र करें। और नाजरीने ग्रामी, अच्छी और सबक आमोज बात को सुनना और सुनकर आगे फैलाना नेकी और सदका है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल गौर से सुने और सुनकर सदका जानते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग का बयान है, वो फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी वफात पा गया। हमने उसकी तजहीजो तकफीन की, जब उसकी कब्र खोदने लगे और कब्र तैयार हो गई तो अचानक से कब्र में से बिल्ली के मुशाबा एक जानवर नमूदार हुआ। हम तमाम लोग उस जानवर को देखकर खौफजदा हो गए। उस जानवर को कब्र से भगाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो ना भागा। गोरकन ने एकदम से कुदाल उसकी पेशानी पर भी मारी मगर वो फिर भी ना भागा। फरमाते हैं कि मजबूर होकर हमने उस जानवर को वैसे ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर दूसरी कब्र खोदने लगे। जब कब्र तैयार होने के करीब हो गई तो बिल्कुल वैसा ही जानवर उस कब्र में से भी निकल आया। फरमाते हैं कि हम फिर खौफजदा हो गए। उस जानवर को भगाने की खूब कोशिश की गई, उसको ईंटों और पत्थरों से मारा भी गया मगर वो जानवर अपनी जगह से ना हटा। फरमाते हैं कि हमने मजबूर होकर तीसरी कब्र खोदी। जब तीसरी कब्र तैयार होकर लहद के करीब पहुंची तो क्या देखते हैं कि अचानक से वहां से भी बिल्कुल वैसा ही जानवर निकल पड़ा। उस जानवर को भगाने की बड़ी कोशिश की गई मगर वो जानवर ना भागा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम साथियों ने आपस में
मशवरा किया कि ये मरने वाले पर कोई अल्लाह का अजाब है, लिहाजा मशवरा करने के बाद उस मैयत को वैसे ही उस जानवर के साथ उस कब्र में दफन कर दिया गया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हमने कब्र की मट्टी बराबर कर दी तो हमने खौफनाक आवाज सुनी कि जैसे कब्र में कोई मुर्दे की हड्डियां तोड़ रहा हो। हम तमाम के तमाम साथी खौफजदा हो गए और हमने आपस में मशवरा किया कि ये जानना चाहिए इस मरने वाले पर ये अजाबे कब्र क्यों कर हुआ। हम तमाम इकट्ठे होकर उस मरने वाले की बीवी के पास गए, उसे तमाम वाकया कह सुनाया। इसके बाद उसकी बीवी से पूछा कि मरने वाला अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से अमाल करता था कि जिसका अजाब उसे मरने के बाद उस जानवर की सूरत में पेश आया। उसकी बीवी ने बताया कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती, मगर हाँ मुझे उसका एक अमल याद आता है कि वो उस अमल को बार बार किया करता था। इसके बाद वो रोते हुए कहती है कि मेरा खामंद जब कभी भी मुझसे मुबाशरत करता तो वो कभी भी गुस्ले जनाबत नहीं किया करता था और मुझे लगता है कि वो अजाबे कबर इसी वजह से था। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बात समझने की और समझकर अमल करने की और अमल करने के बाद इस्तकामत से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपने ईमान का इजहार करें और दुआ में शामिल हों। जज़ाकअल्लाह।